नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चार स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, अरविंद फैशंस, आदित्य बिरला फैशंस, स्पेंसर रिटेल और ट्रेंड। तो हम देखेंगे कि मार्केट में इन स्टॉक्स को लेकर क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से भी स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो आइए दोस्तों, अरविंद फैशंस की अगर मैं बात करूं तो इनकी न्यूज आई थी कि ये जो उनका अनलिमिटेड रिटेल बिजनेस है वो वी मार्ट रिटेल को ये बेच देंगे। तो ये करीब हमारे 20 दिन पुरानी न्यूज है और उस दिन ये स्टॉक 16% भाग गया था। अगर मैं दोस्तों इनके रिजल्ट्स की बात करूं तो वो काफी ठीक रहे थे एज एक्सपेक्टेड, कि जो कोविड की वजह से जो इनका ये था कि नेगेटिविटी होनी थी रिजल्ट्स में, तो उसके कंपैरिजन इनके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर थे। और आज ये स्टॉक आपका लिमिटेड लीडर था ए ग्रुप में, 9.95% तक भाग गया था करीब 11.50 थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ थी इसको लेके। तो अगर मैं चार्ट पे देखूँ दोस्तों तो ये समय ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, 230 के ऊपर इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया है। तो आपको अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो आप करीब 225 का स्टॉप लॉस रखिएगा। पहला टारगेट तो हमारा रहेगा जो आज का हाई था 250 का। एक बार मैं 5 ईयर का चार्ट भी इसका देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगला रेजिस्टेंस इसको फिर है 270 का। तो 250, 270 और फिर 375 तक भी ये स्टॉक जा सकता है अगले 6 महीने से, अगर आप तब तक होल्ड कर सके तो 6 महीने से 1 साल में ये स्टॉक का, क्योंकि अब जो काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स, एक टाइम ये स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक हुआ करता था, फिर इसमें काफ़ी डाउनफॉल हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ी सी इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 189 के पास का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो यहाँ 230 के ऊपर ब्रेकआउट था, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए 225 का स्टॉप लॉस रखिए और 250 और 270 का टारगेट्स रखिए, ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। अगर मैं दोस्तों स्पेंसर रिटेल्स की बात करूं तो इनका जो नेट लॉस है वो केवल अब 17 करोड़ का इनका हो गया था। तो यहाँ पे जो अच्छी चीज थी इस वजह से ये स्टॉक तुम्हारे 7% की ग्रोथ भी आई थी इनके स्टैंड अलोन रेवेन्यू में, 472 करोड़ की इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया था Q1 रिजल्ट्स में। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ इनका सही आया था रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड, तो उसकी वजह से स्टॉक बीच में बहुत भागा था। अभी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स में देखी मैं इसमें आजकल काफ़ी ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर इस स्टॉक को लोके दोस्तों मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, यहाँ पे आप देखिए एक यहाँ पे मैं अगर ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ठीक ठाक सपोर्ट हमें इसका निकल के आ रहा है 100 रुपये के आसपास। तो आप अगर इस स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आपको 100 रुपये से थोड़ा नीचे 98 या 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिएगा। और अगर यहाँ पे देखिए ये स्टॉक अगर 113 रुपये के ऊपर जैसे ही जाएगा, इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाएगा, तो अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो उसके लिए देखिए दोस्तों फिर ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 120, 140 और 170-180 तक ये स्टॉक मैक्सिमम जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों हमारा 98-99 के पास का आप स्टॉप लॉस रखिए और 120 एंड 140 के टारगेट्स को आप एम करिए। आदित्य बिरला फैशन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इन्होंने Q1 में 352 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, जो पिछले साल के इस क्वार्टर के कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। पिछली बार इन्होंने 410 करोड़ किया था, बट स्टिल मैं कोविड के बाद भी सेकेंड वेव के बाद थोड़ी और ज़्यादा बेटर रिकवरी की उम्मीद कर रहा था, तो इस वजह से इनके रिजल्ट्स ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो इसके बाद ही रिजल्ट्स आने के बाद ये स्टॉक हमारा एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ जो आई है कि आदित्य बिरला फैशन एक्सपेंशन को प्लान कर रहा है और नए स्टोर्स भी खोलने के इनके प्लान में है, जो कि एक अच्छी खबर है। HDFC सिक्योरिटीज़ का कहना था, करीब ये 2 हफ्ता पुरानी न्यूज़ है, कि इनकी जो रिकवरी है वो बेटर दैन एक्सपेक्टेड है, तो HDFC सिक्योरिटीज़ इसको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव है। स्टॉक की मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ कहीं इनका रिजल्ट आया तो उसके बाद ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। हालांकि अभी ये स्टॉक हमारा अच्छा सपोर्ट पे है, 50 डे का मूविंग एवरेज इसका 213 का है। एक बार मैं देख लेता हूँ 100 डे का मूविंग एवरेज इसका कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं दोस्तों। 100 डे का मूविंग एवरेज इसका 200 के आसपास है, तो 200 के थोड़ा नीचे आप 197 या 198 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बढ़ा सकते हैं और इस टारगेट्स 230 तक का रख सकते हैं। तो 197-198 का स्टॉप लॉस लगाइए और 230 के टारगेट्स को एम करिए, इसमें ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा हमारे फेवर में है।
आइए दोस्तों, अब मैं ट्रेंड शेयर को एनालाइज कर लेता हूँ। तो ट्रेंड शेयर ने 138 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था और लास्ट ईयर इन्होंने 184 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था सेम पीरियड में, सेम क्वार्टर में। तो रेवेन्यू इनका आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन 491 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इस क्वार्टर में केवल 248 करोड़ था। तो वह इनके रिजल्ट एनालिस्ट को ठीक ठाक लगे थे। एडेलवेस ने कहना है कि आप ट्रेंड को खरीदो और 1101 रुपये का टारगेट दिया है, 1101 का टारगेट इन्होंने दिया है। अब ये स्टॉक देखिए कि ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, काफ़ी फरवरी मंथ से ये ट्रेंड लाइन है, इसको ये काफ़ी अच्छे से बढ़िया तरह से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हाई चांस है कि इसमें रिवर्सल हो। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा तो बहुत छोटा सा आप स्टॉप लॉस रखिए 835 रुपीज़ का, और टारगेट्स रहेंगे हमारे 960, और उसके बाद अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो 1100। अच्छी चीज़ ये है कि हमें छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है मात्र 840 का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेंड में भी एकदम बेहतरीन है। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।